कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th टू M.Com, CA, CSCMA एंड BBA का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। हेलो, वेलकम दोस्तों KKCA के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे बच्चों का प्यार बरसता है और बदले में कंटेंट बरसता है। यस स्टूडेंट्स, फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप KKCA पे पहली बार जुड़े हो, इसके बारे में आपको ज्यादा अपडेट नहीं है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट ये वीडियो तो मिल गया, नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक के बारे में पहले बता दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसके लिए सेशन बना हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आप TY BCOM सेमेस्टर नंबर 5 में हो, अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आपको जो सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट, इसका नाम है BRF, दैट इज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 1। सेमेस्टर 5 में BRF 1 है और सेमेस्टर BRF 2 ये सब्जेक्ट है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इसका आज डेमो लेक्चर नंबर 1 है। दोस्तों, हम डेमो क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि KKCA का मानना है पहले डेमो अटेंड करो फिर विश्वास करो। यस दोस्तों, KKCA का इतना कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसके वजह से 1.8 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए, फिर भी हमारा यही कहना है बच्चों, पहले डेमो अटेंड करो फिर विश्वास करो। जब भी कोई नया सब्जेक्ट आता है, जब नया सेमेस्टर आता है, तो KKCA पहले YouTube पे आ जाता है। यस, तो हम फिलहाल द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मैक्सिमम मिनिमम 3 से 4 लेक्चर हम YouTube पे देखने वाले हैं। यस, स्टार्टिंग के इसके पहले बच्चों लेक्चर नंबर 0 हुआ। सर, लेक्चर नंबर 0 क्या होता है बच्चों? नो यूर सब्जेक्ट, KYS, नो यूर सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट के बारे में उसमें ब्रीफ में डिटेल दिया है, अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली इसी ये जो वीडियो है, इसी का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये वीडियो है, आगे का भी वीडियो आएगा। तो ऐसे मैक्सिमम मिनिमम 3-4 लेक्चर आपको YouTube पे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप फुल कंटेंट चाहते हो तो बच्चों हमारा ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम है KKCA, प्ले स्टोर वालों KKCA, और एप्पल यूजर्स आपके लिए क्लास प्लस इस नाम से एप्लीकेशन है, और उसमें ORG कोड डालना पड़ेगा KKC। और एनी डिटेल्स ये नंबर भी नोट डाउन कर लीजिए, 8483822271, यही कॉलिंग का नंबर, यही व्हाट्सएप का नंबर, आपके डाउट शेयर करिए, डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, पॉइंट पे आते हैं अपने, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट तो बहुत बोरिंग है यार, क्या बताए, मतलब क्या बताए सर, नींद आती है, बहुत बोर होता है सब्जेक्ट में। और ऐसे ही बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग करने का काम है KK सर का, और वी कैन से KKCA टीम का। स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट हमने पूरा PPT में डाल दिया है, PPT की वजह से आपको मजा भी आएगा, उसमें ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिए हुए, आप आज के ही लेक्चर में आपको रियलाइज हो जाएगा, ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल लिए हुए टॉपिक को समझने के लिए, टॉपिक की कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगी और रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है वो भी समझ जाएगा। ओके बच्चों, सीधे सी बात एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हमें बोरिंग क्यों लगता है, क्योंकि उसका रियल लाइफ में कुछ फायदा ही नहीं होता है। ना मन में आता है साला क्यों पढ़ाया, जिंदगी में कभी काम में ही नहीं आया। दोस्तों, उसमें से ये टॉपिक नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम कॉन्ट्रैक्ट हर दिन यूज करते हैं, हर जगह पे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बस हमें रियलाइज नहीं होता कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल बताएं, अरे एग्जाम्पल बच्चों, अब ये देखो, आप लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, आपको यूट्यूब पे लेक्चर बहुत पसंद आया, चलो भाई KKCA का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और KKCA को ज्वाइन कर लेते हैं। KKCA को ज्वाइन करने के लिए आपने ऐप डाउनलोड किया, कोर्स सर्च किया, कोर्स बाय कर लिया, पेमेंट किया, जैसे ही पेमेंट कर लिया तो आपके और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया। सर, कैसा कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ? इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कि बच्चों, आप हमें फीस दे रहे हो और उसके बदले में हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा। ओके, अगर सपोज जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसा होने नहीं वाला, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज हमने आपसे पैसे ले लिए, फीस ले ली और आपको पढ़ाया नहीं, जाने दो, नहीं पढ़ाने का, क्या करना है कर लो, तो क्या आप हमारे खिलाफ एक्शन ले सकते हो? आंसर इज डेफिनेटली यस, यू हैव द पावर, आप लीगली में हमारे ऊपर केस फाइल कर सकते हो। सर, केस फाइल क्या करेंगे, मतलब क्या आपके खिलाफ केस फाइल करेंगे? सर, हमारे पास सच में इतनी पावर है? सर, हमने कुछ छोटी अमाउंट तो दी है, सर फीस भी तो कम है KKCA की, पर इतनी छोटी सी अमाउंट देने के बाद भी केस कर सकते हैं। बच्चों, अमाउंट छोटी या बड़ी की बात नहीं है, हम और आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं कि आपने हमें KKCA को ज्वाइन किया है, यू पेड द फीस एंड इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू,
ठीक है। यस कार्तिक, एक बार ऑडियो वीडियो ठीक है क्या बता दो तो, कंफर्मेशन दे दो। यस ऑडियो वीडियो के बारे में कंफर्मेशन दे दो बच्चों, जो जो अवेलेबल है फटाफट से बताइए। अटक रहा है या फिर सटक रहा है, क्या जो भी हो रहा है जल्दी से बता दीजिए, कमेंट चैट बॉक्स पे मेरी नजर है। हाँ एक बार गाड़ी शुरू हो जाए तो बीच में रुकना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले ही बता दो यार, कुछ हो तो सोल्यूशन निकाल ले। ओके चलो, वैष्णवी जी ने कंफर्मेशन दे दिया। वैष्णवी जी नाइस टू सी यू, बहुत दिनों बाद आपको लाइव लेक्चर में देखा और आगे भी कंटिन्यू देखना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन। लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है। इट केम इन टू फोर्स कब एप्लीकेबल हुआ भाई, दुनिया में, मतलब दुनिया नहीं है, इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो इंडिया ही दुनिया है। सो इंडिया में एप्लीकेबल हुआ है 1 सितंबर 1872 को। हाँ यस, इवन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। ये 1872 का एक्ट जो 1 सितंबर 1872 से एप्लीकेबल हुआ है, जो पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। सर पूरा इंडिया मतलब, अरे पूरा इंडिया मतलब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। यस सर, ऐसा अलग से क्यों बताया जाता है, अगर इंडिया में एप्लीकेबल है तो जम्मू कश्मीर आ ही गया ना बच्चों। आप जानते ही होंगे कि कुछ साल पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट है फिलहाल। ओके ओके ठीक है। तो ये जो रूलिंग, मैं देखो, मैं किसी भी पॉलिटिक्स के, किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी पार्टी के खिलाफ भी नहीं हूँ, अगेंस्ट भी नहीं हूँ, फेवर में भी नहीं हूँ, जो सबको फैक्ट बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, इन्होंने कुछ साल पहले जो जम्मू कश्मीर में 376, तो सुना सुना होगा आर्टिकल 376, बहुत घमासान, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, बहुत सारा उस पर डिबेट वगैरह हुआ था। तो पहले ऐसा था ना बच्चों कि जब भी इंडिया का नाम लिया जाता था, मतलब ये मैं सिर्फ रियलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक्ट उठा के देख लो, कोई भी एक्ट अगर आप देखोगे ना, तो लिटरली लिखा, अगर लिखा ना कि एप्लीकेबल इन इंडिया, में जम्मू कश्मीर कंसिडर नहीं किया जाता था। दिस इज फैक्ट। ओके अगर कोई एक्ट जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल करना है तो एक्ट में वर्डिंग स्पेशली दिया जाता था, इट इज एप्लीकेबल इन इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, मतलब बताना पड़ता था, बताने की जरूरत है भाई, इंडिया में एप्लीकेबल है और जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि वो बहुत सालों से डिबेटेबल इशू है कि जम्मू कश्मीर किसका है। तो वो तो चलो भाई डिसीजन लेने वाले ले लेंगे, लेकिन हमारे लिए इतना क्लियर है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, हर जगह पे एप्लीकेबल। ओके दिस एक्ट इज डिविजिबल इंटू टू पार्ट्स। ये जो एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दो पार्ट में बटा हुआ है। सो पार्ट नंबर वन, फर्स्ट पार्ट डील्स विद सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक आता है ये पार्ट। इट डील्स विद जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर फॉर अप्लाई टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। सोचो किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने केकेसीए ज्वाइन कर लिया तो हमारे बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया। अब ये जो मेरा क्लासरूम है, डिजिटल क्लासरूम, मैंने रेंट पे लिया, सामने वाले के साथ रेंट एग्रीमेंट कर लिया, रेंट एग्रीमेंट कर लिया मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। ठीक, मैं किसी शॉप में गया और मैंने कोई गुड्स परचेस किया, मैंने उसको ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने गुड्स ला के दिया, मैंने उनको पैसा दे दिया। बच्चों वी आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो हर डे टू डे लाइफ में हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं। ठीक, जस्ट एग्जाम्पल, नासिक से पुणे जा रहे हो, अपने नासिक में जैसे बस में चढ़े, बस में चढ़ गए और आपके पास कंडक्टर जी आए और कंडक्टर जी ने बोला भाई टिकट 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 किधर जाना है, आपने बोला नहीं देने का टिकट, उतर उतर नीचे, ऐसा कैसा चढ़ गया, अगर तू बस में चढ़ा है तो तुझे टिकट निकालना ही पड़ेगा, बिना टिकट के नहीं चलेगा भाई, टिकट निकालना ही पड़ेगा। क्यों? देख भाई बस खड़ी थी, बस बस स्टॉप पे खड़ी थी, ये एक प्रपोजल था। क्या प्रपोजल है? अगर आप पुणे आना चाहते हो, नासिक से पुणे बस जा रही है, आप अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो, एंटर कर लो। तो ये प्रपोजल था कि आप बस में चढ़ जाइए, पुणे आना है तो आ जाइए, लेकिन ये प्रपोजल आपने एक्सेप्ट कर लिया। कैसे एक्सेप्ट किया? बस में एंटर किया, मतलब ये एज्यूम है कि आपने प्रपोजल एक्सेप्ट किया और आपको पैसा देना पड़ेगा। ओके और अगर पैसा नहीं दोगे भाई तो वही मैटर हो जाएंगे ना, मैटर हो जाएगा डायरेक्ट भाई। अभी डिपेंड है वो कि अगर उसकी सटक गई, आता माझी सटक ली तो आपकी वाट लगा रहेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड पार्ट जो है बच्चों, सेकंड पार्ट, इट डील्स विद स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज वगैरह वगैरह, अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है। फिलहाल हमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद रख लो, हम तो बस जनरल प्रिंसिपल पढ़ेंगे लॉ से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट को
भी कॉन्ट्रैक्ट को इंडिया में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट को ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट को जो एप्लीकेबल होगी चीजें वो हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। चिल्ला चिल्ला के बता रहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो तो बताओ। और बच्चों और एक चीज भी याद रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना है, 1872 में, जब ब्रिटिश राइट 150 साल राज किया है हम पर ब्रिटिश लोगों ने, तो ये 150 साल जब ब्रिटिश हम पे राज कर रहे थे तब ये 1872 में एक्ट बनाया गया। बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने के पहले ब्रिटिश लोग मतलब जो हम पे रूल कर रहे थे, हम तो उनके गुलाम थे, तो वो उनके हिसाब से लॉ बनाते थे, कोई लॉ ही नहीं था। उन्होंने बोल दिया, राजा ने बोल दिया, वो फाइनल, विषय संपला, मैटर क्लोज, तो उनका डायरेक्ट मनमानी चलती थी। बट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बनाया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखो क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। सर अवघड आहे सब्जेक्ट, सेक्शन बिक्शन बी याच्यात तर म्हणजे चायला मॅटर्स होणार आहे सर, आम्हाला सेक्शन लक्षात ठेवावेच लागतील का? आन्सर इज नो। बच्चे एकदम गिन चुन के कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो बार बार आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उतने हम याद रख लेंगे, बाकी तो हर सेक्शन हमें लर्न नहीं करना है। वी आर ह्यूमंस एंड नॉट रोबोट्स, हम रोबोट नहीं कि सब कुछ लर्न कर लें। ठीक है, इसमें एक्ट भी पढ़ाया जाएगा। यस अभिषेक जी, एक्ट ही तो पढ़ा रहे हम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, और अगर रियलिटी बताए एक्ट बहुत बड़े होते हैं बच्चों, डिटेल में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा डीप में होता है, लेकिन आपको आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से सीमित किया गया है, हम उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, मैं टाइम टू टाइम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देते रहूंगा सीए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी लॉयर जो ज़्यादा डिटेल में है, ग्रेजुएशन में इतना नहीं है, उससे रिलेटेड में थोड़ा एडिशनल नॉलेज आपको टाइम टू टाइम देते रहूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। और ये डेफिनेशन एकदम लाइफ टाइम सेव कर लो, भूलना नहीं है, एग्जाम के एंड तक कम से कम याद रखना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाए, आप गजनी भी हो जाओ तो भी ये भूलना नहीं है, इतना जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब एग्रीमेंट भी है और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ भी है, दोनों चीजें है तो इसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजें जरूरी है, फर्स्ट वो एग्रीमेंट होना जरूरी है और दूसरा इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी जरूरी है। सर इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ म्हणजे नेमकं म्हणायचं काय तुम्हाला, इन्फोर्सेबिलिटी म्हणजे काय, मतलब वी कॅन से बच्चों जहाँ पे लॉ एप्लीकेबल है, मतलब वो चीज लीगल बन जाती है। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, एग्जाम्पल आगे है, कब है, कब आने वाला है चलो एग्जाम्पल आपके सामने अगले दो मिनट में प्रकट होने वाला है, बट फिलहाल इतना ही याद रख लो, दो चीजें होनी चाहिए, एग्रीमेंट भी होना जरूरी है और वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ भी होना जरूरी है। अगर दोनों चीजें है, एग्रीमेंट भी है, इन्फोर्सिएबिलिटी बाय लॉ भी है, लॉ मतलब ये लीगल है, उसको लीगल पावर आ जाती है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट यस बच्चों, जितने बच्चे उसमें से आधे भी लाइक नहीं है, बहुत नाइस अभी है, मतलब ऐसा ऐसा स्क्रीन के अंदर से बाहर आके फोड़ना चाहिए तुमको यार, मतलब इतना अच्छा लेक्चर चल रहा है, इतना मजा आ रहा है, लॉ पढ़ने में इतना मजा आ रहा है, एक लाइक नहीं कर रहे, मतलब क्या यार। और हाँ, लाइक को पैसे नहीं लगते बच्चों, मतलब आप भूल गए होगे, आपको लगेगा लाइक पे क्लिक कर दो पैसे कट हो जाएंगे, फोन पे यूपीआई कुछ नहीं होता मेरे भाई, बस आपका प्यार मिलता है, बाकी कुछ नहीं। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, पहला वापस नया सेक्शन आया ना भाई, बच्चों गिन चुन के सेक्शन रहेंगे, टेंशन ना लो, बहुत ईजी वाले रहेंगे और हम वही याद रखने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने देखा, उसका सेक्शन था 2 सबसेक्शन एच। ओके, और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का याद रखने के लिए तो उसका शॉर्टकट भी है बच्चों, एग्रीमेंट इस स्पेलिंग में सेंटर में आता है डबल ई, और सेक्शन भी क्या है, सेक्शन 2E। ओके, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, तो 2E ऐसे ही लिखना है ब्रैकेट में, तो क्योंकि इस स्पेलिंग में 2E आते हैं तो उसका सेक्शन भी 2E है, मतलब वो क्योंकि नहीं है, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, कोई रीजन नहीं है, बस याद रखने के लिए जुगाड़े है। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच। ओके, देखो बच्चों सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्सिएबल, डन। अभी उसमें से एक वर्ड हमने ले लिया एग्रीमेंट, ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट में से दो चीजें थी, एग्रीमेंट और लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी, अभी लॉ में दो चीजें आ गई, लॉ का मतलब क्या,
प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या बोला है, प्रॉमिसेस, प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इच अदर। जब हम किसी से वादा करते हैं, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं गा रहा हूं, किसी सिंगर ने गाया हुआ है वो भी बात बाजू में रख दो, लेकिन एग्रीमेंट में ये गाना गाना जरूरी है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा और वादा ना निभाओ तो आप पे केस भी किया जाएगा। यस, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं प्रॉमिसेस, वादे, वादा, वादा, प्रॉमिस करना जरूरी है। इसमें प्रॉमिस भी होता है और साथ में कंसिडरेशन भी होता है। कंसिडरेशन मतलब वी कैन से मराठी त्याला म्हणतात मोबदला, ओके। अगर हम किसी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपने क्लास ज्वाइन किया, हम आपको टीच करेंगे, उसके बदले में हमें फीस मिलेगा, बराबर ना, या फिर आप सोचो कि फीस दे रहे हो तो आपको उसके बदले में नॉलेज मिलेगा, तो ये क्या हो गया, कुछ लेना देना, कंसिडरेशन। हम शॉप में गए, कुछ अमाउंट पे किया तो हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है बच्चों, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ तो देना, अगर हम कुछ ले रहे हैं, हमें कुछ मिल रहा है तो उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, दैट इज एग्रीमेंट, ओके। तो देखो बच्चों, एग्रीमेंट में नया पार्ट आ गया प्रॉमिसेस, ओके। मैं आपको जस्ट अभी वही बता रहा था, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें आ गई, एक तो एग्रीमेंट और दूसरा लॉ, बराबर। एग्रीमेंट में एक चीज़ आ गई प्रॉमिस और दूसरा आ गया कंसिडरेशन, बराबर। अब प्रॉमिस में देखो, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, प्रॉमिस मतलब क्या, सेक्शन 2B, तो ये भी याद रखना है, जाने दो ये भूल जाओ, ठीक है ये भूल जाओ, जाने दो, अब तक दो याद रख लो, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन H, और एग्रीमेंट का याद रख लो, उसमें स्पेलिंग में A2E आते हैं, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन E, ठीक है ये दोनों तो याद रख लो यार, बाकी ये भूल जाओ, चलो ये कट, इधर भी कट, ठीक है। सो प्रॉमिस का मतलब व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिस पर्सन को प्रपोज किया। सर प्रपोज, ओए होए होए होए, सर कॉलेज के दिन याद आ गए, प्रपोज किया था लेकिन क्या बताए सर, उसने ना कहे, ना बोल दिया सर, हमने बहुत कोशिश की मनाने की, हमने प्रपोज भी किया लेकिन उसने ना बोल दिया। अगर उसने ना बोल दिया मेरे भाई, डील टूट तो गया, डील टूट गया, वो तो तेरे लाइफ का पार्ट हुआ, लेकिन एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ, ये लॉ वाला पार्ट हो गया, क्योंकि प्रपोज किया था। अगर आप प्रपोज करो और सामने वाले आपको यस बोल दे, भले भले, तो उसको एग्रीमेंट कहेंगे भाई, तब उसको एग्रीमेंट कहेंगे। सो व्हेन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिनको प्रपोजल किया गया है, सिग्निफाइज हिज असेंट, सिग्निफाइज हिज असेंट मतलब उन्होंने हाँ कह देना, असेंट मतलब कंफर्मेशन, यस एक्सेप्टेड, ओके। जैसे कि बच्चों, अगर आप कोई ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर लो, तो आपको पूछा जाता है अलाउ एक्सेस, यस। अगर आपको गूगल मैप वगैरह पूछता है कि अलाउ लोकेशन, स्टोरेज अलाउ करो, यस, वो भी एक एग्रीमेंट है। आपको प्रपोजल दिया जा रहा है कि आप ये एग्री करना चाहते हो, आपने यस पे क्लिक कर दिया, मतलब एक्सेप्ट हो गया, समझ रहे हो। तो हिज असेंट देयर टू मतलब किसी ने, एक पर्सन ने दूसरे को प्रपोज किया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो प्रपोजल हम बोल सकते हैं कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, एक पर्सन ने प्रपोज किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तब हम क्या बोलेंगे इसे, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। बच्चों बच्चों बच्चों, इसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करोगे तो मतलब एकदम ब्रेकअप तक भी पहुंच सकते हो आप, पैचअप से लेकर ब्रेकअप तक सब कुछ कवर होने वाला है एग्रीमेंट में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। तो बात यह है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जो एग्रीमेंट है जो लॉफुल है, ठीक है, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, राइट। अब एग्रीमेंट में आ गया, एग्रीमेंट मतलब क्या, प्रॉमिसेस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस, जहाँ पे प्रॉमिस है या मल्टीपल प्रॉमिसेस है और साथ में कंसिडरेशन भी है। कि प्रॉमिस का मतलब क्या, जब एक इंसान ने प्रपोज किया, दूसरे ने वो एक्सेप्ट किया, और जब प्रपोजल किया था और एक्सेप्ट हो गया, तो प्रपोजल वेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, तब उसे हम प्रॉमिस कहेंगे, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो दस वी से दैट एग्रीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी एंड अदर पार्टी, सॉरी टू द अदर पार्टी। बच्चों प्रपोजल मतलब क्या, जब एक पार्टी, पार्टी मतलब पार्टी करनी है, पार्टी करेंगे, किसी के भी पप्पा से नहीं डरेंगे, वो वाली पार्टी नहीं यार, मतलब चिल बच्चों यार, तो मतलब एकदम फाइनल ईयर में आ गए कॉमर्स के, तो मतलब कुछ भी बातें कर रहे हो यार, एकदम धूम कर रहे हो, नहीं नहीं वो वाली पार्टी नहीं, पार्टी मतलब पर्सन, हम बोलते हैं ना कि क्लाइंट आया है, पार्टी आई है, पार्टी मतलब सामने वाले पर्सन, दो दो लोग होते हैं ना कम से कम कॉन्टैक्ट में, तो वो पार्टी,
तो एग्रीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ प्रपोजल, एग्रीमेंट या प्रपोजल का नतीजा है, मेड बाय वन पार्टी, ऑफकोर्स एक पर्सन ही प्रपोज करने वाले है, एंड अदर पार्टी जो दूसरी पार्टी रहेगी जिनको प्रपोज किया जाएगा, दैट अदर पार्टी गिव्स द एक्सेप्टेंस, दूसरे पार्टी ने एक्सेप्टेंस कर लिया फॉर म्यूचुअल कंसिडरेशन, और दोनों लोग मतलब हैप्पीली एग्री हो गए, मतलब कहने का मतलब ये है कि फोर्स नहीं है उसमें, फोर्स नहीं है, दोनों हैप्पीली एग्री हो गए, तो जब ऑफर भी है, ऑफर या प्रपोजल किया और वो एक्सेप्टेंस बन गया, ओके जब ऑफर किया और वो ऑफर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करने के बाद उस वो बन जाएगा प्रॉमिस, ओके और प्रॉमिस के साथ, प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन भी जुड़ जाए, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन भी जुड़ जाए तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के साथ अगर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी मिल जाए, ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। यस, तो स्टार्टिंग से जुड़े हैं बच्चों, ग्रीन सिग्नल देके मुझे बताएं आपको ये समझाया नहीं अब तक, क्लियर है क्या? नहीं, यस देखो बच्चों आपके सामने एग्जांपल भी है, देखो फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, आई विल सेल माय कार फॉर 10,000, वुड यू परचेस इट? भाई एक पर्सन ने बोल दिया कि मैं कार बेच रहा हूं 10,000 में, तुझे लेना है क्या भाई? भाई ने बोल दिया यस आई विल परचेस इट। तो एक ने किया प्रपोजल, मैं कार सेल करने के लिए रेडी हूं, सामने वाले ने किया एक्सेप्टेंस, बाय करने के लिए रेडी हूं, सो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मेरे भाई, इसी को तो बोलते हैं एग्रीमेंट, दोनों एक दूसरे के साथ एग्री हो गए और ये बन गया एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में कंसिडरेशन भी है, कैसे कंसिडरेशन? अरे बोला ना भाई ने 10,000 में बेचने का है, 10,000 में लेगा क्या, तो कंसिडरेशन भी आ गया, तो बन गया पक्का प्रॉमिस, और प्रॉमिस मतलब प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया बोले तो प्रॉमिस, और साथ में कंसिडरेशन भी जुड़ गया, तो ये हो गया एग्रीमेंट। और बच्चों क्या कार बेचना इंडिया में लीगल है? ऑफकोर्स लीगल है सर, क्या मजाक कर रहे हो, क्या चरस गांजा की बात चल रही है सर, कार बेचना तो लीगल है डेफिनेटली, तो ये लीगल भी है, ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आई होप एग्रीमेंट का मीनिंग सबको अल्ट्रा क्लियर होना चाहिए, अल्ट्रा क्लियर, एकदम एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम कर रहे हैं बच्चों। सर इसमें थोड़े वर्ड है ना थोड़े डिफिकल्ट है सर, लॉ है बच्चों वो लॉ है, लॉ है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड तो रहेगा यार, कहीं भी हम जब बातें लीगल बातें करते हैं तो लीगल टर्म्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं सर, आप थोड़ा सा नोट्स में इजी बना देते तो अच्छा हो जाता। देखो नोट्स में इजी बना भी दे लेकिन एग्जाम में तो आपको थोड़े लीगल वर्ड्स आने चाहिए ना, हम नोट्स को इजी नहीं बनाएंगे, मतलब उसमें वर्ड्स डालेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए दिया जाएगा आपको, इजी बना के दिया जाएगा, लेकिन जो कुछ वर्ड है जो टेक्निकल वर्ड्स है उसको अवॉइड नहीं किया जाएगा, इसमें इंटेंशनली डाले हुए टेक्निकल वर्ड्स, सो दैट आपको वो वर्ड भी पता चले और उसका मीनिंग हम आपको बता दें, आप नोट डाउन भी करके रखो, आपको रीड करते हुए समझना भी चाहिए कि ये कैसे आया, इसका मीनिंग क्या है, ओके। यस, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ कहाँ से आया, कहाँ से आते हैं ये, भाई भाई रुको रुको रुको, कहाँ से आते हैं ये पॉइंट? तो बच्चों हमने शुरू किया था कॉन्ट्रैक्ट के साथ, क्योंकि हम पहले तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझना चाहते हैं ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या, तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग में दो वर्ड थे बच्चों, एक था एग्रीमेंट और दूसरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो अब तक हमने एग्रीमेंट देखा बराबर ना, वो प्रपोजल एक्सेप्टेंस प्रॉमिस कंसिडरेशन ये सब हमने देखा, अब हम देखेंगे इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ मिनटों में आपको समझ जाएगा, वो कुछ मिनट हो चुके हैं और अब हम देखते हैं इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मीनिंग। यस, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ देखते हैं क्या दिया है, एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स अ ड्यूली इन्फोर्सिएबल बाय, वापिस पढ़ रहा हूँ ठीक से सुनो, एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन, तो इसमें लीगल ऑब्लिगेशन मतलब लॉफुल होना बहुत जरूरी है, विच मीन्स इसका मतलब क्या, ड्यूली इन्फोर्सिएबल बाय, तो वी कैन से कि ये लीगल बन चुका है, ठीक है, उसमें लॉ का इम्प्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब क्या, अगर प्रपोजल है, प्रपोजल किया और वो एक्सेप्ट हो गया तो ये बन गया एग्रीमेंट, ओके। तो इन्होंने वर्ड प्रपोजल नहीं दिया, क्या लिखा है डायरेक्ट, एक्सेप्टेड प्रपोजल, एक्सेप्टेड प्रपोजल मतलब ही प्रॉमिस, ठीक है, तो ये बन गया एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए प्रपोजल मतलब बस इतने दो चीजें याद रखो यार, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो जरूरी है, एक तो एग्रीमेंट होना और एग्रीमेंट के साथ वो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना, मतलब उसको लीगल ऑब्लिगेशन जरूरी है। सर लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या,
लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या? सर ये तो समझ गया, आपने बताया कि लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, बट व्हाट इज मीन बाय लीगल ऑब्लिगेशन? सर आप है ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं सर सब्जेक्ट को, केमिकल लोचा हो रहा, मतलब एक एक सब्जेक्ट एक एक वर्ड ऐसे डाल रहे हैं कि मतलब समझ नहीं रहा। लॉ एकदम डिफिकल्ट है क्या? इजी है, आप बोल रहे हो इजी है, फिर बोलते हो ऐसे ऐसे शब्द है कि मतलब हमारे भावनाओं के साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा है ऐसे शब्दों के साथ। तो बच्चों इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मतलब लॉ के साथ इनफोर्सिबल है या नहीं, इसका एग्जाम्पल देखते फिर मैं वापस इस पे आता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल देखते एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको एकदम टच होना चाहिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर वन भाई, ये क्या है बच्चों? फोटो देखिए जल्दी से बताओ किस चीज का कॉन्टेक्ट हो रहा है, क्या चल रहा है ये? जल्दी 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 विद इन मिनट आंसर आना चाहिए फास्ट। यस यस यस, आपकी रफ्तार ही आपकी पहचान है। ये फोटो देख लो क्या चल रहा है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, क्या चल रहा है, किस चीज का कॉन्टेक्ट हो रहा है। यस स्टूडेंट्स, ए एग्री विद द बी टू सेल कार फॉर 2 लाख रुपए। ओके, ए ने एग्री कर लिया बी के साथ कि भाई मैं मेरी कार 2 लाख रुपए में बेचने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? और हुआ ऐसा भाई 2 लाख रुपए 2000 की बंडल लेके आया ना बंडल भाई बापू। ये पहिले की बात है ढोकलो, 2000 ची नोट बंद झाली, मला माहिती आहे बंद झाली भावा, हे आधीचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे, जुना कॉन्ट्रॅक्ट होता ना तेव्हा झाला आहे विषय, ठीक आहे? बी हॅज द राईट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख। ओके, तिसरी सी बात है, भाई ने प्रपोज किया था मैं 2 लाख में कार सेल करने के लिए रेडी हूँ, भाई ने 2000 का बंडल बोले तो 2 लाख रुपए दे दिए, अब उसको कार देना ही पड़ेगा। अगर उसने पलटी मार दी, उसने पैसे देके आ रहे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था नहीं देने की कार, ऐसा चलता क्या? चल कोर्ट में घसीटता मैं तेरे को, कोर्ट में लीगली उन पे केस फाइल किया जा सकता है। बच्चों ये लीगल है, मतलब यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन था, समझ रहे हो? ये सीधी सी चीज है ना बच्चों, कार सेल करना है उसके बदले में 2 लाख लेना है, ये लीगल चीजें है, ठीक है? जहाँ पे दो पार्टी अलग अलग है और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा टाइम पास मजे वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा है ना, प्रॉपर मतलब क्या कहते हैं सीरियस वाला कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर वो ब्रेक हो जाए तो डेफिनेटली कोर्ट में केस लड़ाया जा सकता है, तो ये हो जाए लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है? और एक एग्जांपल देखते हैं, से और भी क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों कौन बैठे हैं, ये कौन है भाई? सर कुछ पहचान के नहीं लग रहे, जापान बिपान के लग रहे, वो ढोकलो वो नहीं पहचानने का किधर के आदमी है, बाप बैठे बैठे, ये तो समझ गया ना, बाप बैठे बैठे। देखो बाप बोले तो फादर, फादर जी ने क्या बोला, फादर प्रॉमिस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ 500 एवरी मंथ। भाई 500 रुपए की पत्ती, हरी पत्ती हर महीने को मिलेंगी, मजे कर जी ले अपनी जिंदगी, हर महीने का पॉकेट मनी 500 रुपए फिक्स, ठीक है? तो बट भाई ने, पापा ने क्या बोला बेटे को, तो हर महीने में 500 रुपए डेफिनेटली तुझे भाई पॉकेट मनी दूंगा खर्चे पानी के लिए। अभी वो देखो चिंता कर रहा है एकदम, मतलब वो देखो बहुत चिंता में था, कैसे होगा मेरा खर्चा, मेरी फ्रेंड है, मुझे एक नई नई फ्रेंड मिली है, उसको आइसक्रीम खाने को लेके जाने का है, डेट पे जाने का है आइसक्रीम खाने के, लेकिन आइसक्रीम खाने के लिए पैसा नहीं ना पापा, कुछ जुगाड़ करो। पापा ने बोल दिया कोई टेंशन नहीं बेटा, दिले अपनी जिंदगी सेनोरिटा को लेके, 500 रुपये मैं तुझे पर मंथ देते जाऊंगा। बट ही रिफ्यूज टू पे लेटर, बोल तो दिया बाद में पलटी मार दी, पापा ने मजाक मजाक में बोल दिया ऐसे बाद में पलटी मार दी, पहुंची सटक ली, पाउंची सटक ली, पापा आपने ऐसा कैसे किया मेरे साथ, धोखा दिया मुझे। द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सन बोल रहे कि नहीं नहीं मैं, अरे सन बड़ा हो गया बेटा, बड़ा हो गया, अब तो मैं जाता हूँ, बोले कोर्ट में जाता हूँ, मेरे को पैसे चाहिए। तो कोर्ट में जाके भी पैसे रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन से टाइप का एग्रीमेंट है, ये सोशल एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सर मतलब क्या फर्क है सर एग्जैक्टली, मतलब एग्रीमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मतलब क्या? देखो बच्चों सीधी सी बात है, एक ने प्रपोजल किया दूसरे ने एक्सेप्टेंस दिया, तो वो तो एग्रीमेंट तो वैसे ही बन जाता है। अगर मतलब मान लो अभी जस्ट नया मूवी आया भाई, गदर 2 आया, OMG 2 आया, ठीक है, दोस्त का फोन आया, चल भाई जाने का क्या, अपने को गदर को जाते हैं, मस्त आया एकदम जोरदार, मैं उठे दिल छोड़ा आया, गड्डी ले आया, अपन जाते मस्त गदर मूवी को, बोला ठीक है भाई ले जाते, आज शाम को बोला चलेगा डन, आज रात को 9 बजे बैच खत्म होने वाली, 9:30 के शो को जाते, भाई ने टिकट निकल लिया, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया, बोला नहीं जाने का, जानते यार मेरे को नहीं जम रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं नहीं आने वाला, भाई ने डायरेक्ट कोर्ट में केस ठोक दी ना, डायरेक्ट कोर्ट में केस, डायरेक्ट नोटिस आ गई मेरे को, कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्यों तो तुमने दोस्त के साथ गद्दारी की रात को पिक्चर देखने नहीं गए, चलेगा
आंसर इज नो, बिकॉज हमारे बीच में कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं हुआ था बच्चों. ये लीगल नहीं, ये सोशल एग्रीमेंट है. किसी ने बर्थडे पार्टी में बुलाया, घूमने बुलाया, जस्ट बाप बेटे ने एक दूसरे को कुछ ऐसे बोल दिया, दोस्तों ने एक दूसरे के साथ कुछ कमिटमेंट कर दी. बच्चों दीज ऑल आर सोशल एग्रीमेंट्स. दिस इज नॉट क्रिएटेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. हेंस इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. बच्चों ये जब बोला था कि पापा ने बेटे को बोला था कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा, यहाँ पे कहीं पे भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो बोला था कि मैं वापस आपको इस पॉइंट पे घुमा फिरा के लेके आऊंगा, वो पॉइंट आपके सामने ये रहा. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ. बच्चों एग्रीमेंट का मीनिंग तो हमने देख लिया, भाई एक ने प्रपोज किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, बन जाता है प्रॉमिस. और जब प्रॉमिस वो बन जाता है, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन भी आ जाता है, तो वो बन जाता है एग्रीमेंट. ठीक है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब वो लीगल होता है, जब उसके साथ लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आती है. मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के इंटेंशन ही लीगल थे, जैसे कि अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आपसे फीस ले लिया और मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो क्या आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो? आंसर इज यस. हम कौन से दोस्त लोग हैं, हम कौन से यार लोग हैं, हम ऐसे एक दूसरे को पैसे दे रहे, मजे कर रहे, पार्टी कर रहे, कुछ संबंध नहीं. बच्चों सीधी सी बात है, आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो, केकेसीए पे ट्रस्ट कर रहे हो, इसलिए आपने पेमेंट किया, कोर्स परचेस किया. ये सीधा सीधा लीगल एग्रीमेंट है यार, लीगल चीज है ये. सो यू हैव द पावर, लॉफुली आपके पास पावर आ जाती है कि आप हमारे ऊपर केस कर सकते हो. तो यह होता है लीगल इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ. तो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, आई होप आपको भी क्लियर होगा. तो एग्रीमेंट है और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी भी है, तब जाके उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. मतलब इस पे से एक सेंटेंस आप समझ लो बच्चों, ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों भी अलग है. सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट. भाई 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 शब्द सुन लो मेरे, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. हर एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट है बाय डिफॉल्ट यार, बाय डिफॉल्ट है, एग्रीमेंट है और लीगल है, तब जाके तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना है. लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल आपके सामने है, अभी तो एग्जाम्पल बताया भाई. बाप ने बेटे को बोला कि चल भाई मैं तुझे पॉकेट मनी देने वाला हूं, तो ये भी एक एग्रीमेंट है, ये भी एक एग्रीमेंट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें लीगल ऑब्लिगेशन का कोई संबंध नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है. दोस्त ने बोला था अपन मूवी को जाते, ये भी एक एग्रीमेंट था, लेकिन ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें भी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नजर नहीं आ रहा है. ओके, तो फाइनली कंक्लूड करते हैं और देख लेते हैं डिटेल में कि डिफरेंस क्या है एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में. और अगर आपको बोलूं ना रियल लाइफ में ये दोनों वर्ड ऐसा सिनोनिम्स यूज किया जाते हैं, समानार्थी शब्द. कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट एकत्र आते रहे, नॉर्मली ऐसे यूज किया जाता है, किया जाता होगा. लेकिन हम लॉ वाले बच्चे, हम लीगल चीजें पढ़ रहे हैं, रियल मार्केट में क्या बोलते हैं उससे हमें कंसर्न नहीं है. रियल कंसर्न में कैसे यूज किया जाता है वो हमारे लिए जरूरी है. सो डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो देखो बच्चों डिफरेंस आपके सामने है. पहला डिफरेंस, एग्रीमेंट में देखो क्या दिया हुआ है. एग्रीमेंट में मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस. तो बच्चों अगर कोई भी प्रॉमिस है एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तब जहां पे प्रॉमिस है या सेट ऑफ प्रॉमिसेस है, प्रॉमिस को एक्सेप्ट भी कर लिया और बीच में कंसिडरेशन भी आ गया, तो ये बन गया एग्रीमेंट. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये हो गया एग्रीमेंट. ओके, और जब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट तो है, साथ में लीगल इन्फोर्सेबिलिटी भी है. ओके, मतलब इस पे से बच्चों मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करने की इच्छा हो रही है, वो भी आपको करके दिखाई देता. इच्छा हुई मतलब क्या, खत्म कर ही लेने का, अंदर मन के अंदर कोई इच्छा रखने की नहीं. ओके, मेरी इच्छा से मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं. बच्चों ये है एग्रीमेंट और ये है कॉन्ट्रैक्ट. मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ना सेट और सबसेट, ऐसा कुछ पढ़ा होगा मैथ्स में, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा यार. मैथ्स पसंद नहीं, वो नहीं पूछा मैंने आपको पसंद है क्या, नहीं पढ़ा तो होगा. ठीक है, ऐसे मैथ्स का नाम निकालते कुछ लोगों की ऐसे एक्सप्रेशन हो गए जैसे कि मैंने आपके दुश्मन का नाम ले लिया. यस, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट और बीच में है इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ. ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो एग्रीमेंट तो होना जरूरी है, साथ में इन्फोर्सेबिलिटी लॉ दोनों होगा तो कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन ये बात तो पक्की, हर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट तो है, बिल्कुल डाउट नहीं. ठीक है, नेक्स्ट स्कोप, एग्रीमेंट का स्कोप, इट इज वाइडर टर्म.
इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन। सर ये कैसे वाइडर आइटम हो गया, मतलब एग्रीमेंट तो छोटा कंसेप्ट हुआ ना सर, तो इसको वाइडर कैसे बोल दिया? वाइडर इसलिए बोला बच्चों कि एग्रीमेंट में हर टाइप का एग्रीमेंट आता है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला अपन मूवी पे जाते हैं, वो भी तो एग्रीमेंट है। सोशल है वो सोशल हो या लीगल हो, दोनों भी एग्रीमेंट तो है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की तो इसका स्कोप छोटा हो जाता है, नैरो सेंस। नैरो क्यों हो गया? क्योंकि इसमें हर एग्रीमेंट कवर नहीं होता, हर एग्रीमेंट कवर नहीं होता। इसमें कौन से आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली इन्फोर्सिएबल। जब कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सिएबल होता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ये नैरो कॉन्सेप्ट। मतलब अगर हम डे टू डे लाइफ में सुबह से शाम तक हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब हर बार, मतलब छोटी छोटी बात पे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, को पूछ लिया ऐसा करेगा क्या, हाँ नहीं नहीं वॉट एवर। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे हर छोटे छोटे एग्रीमेंट तो हर छोटे छोटे बात में हो रहे हैं, लेकिन एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें आती है। मैंने जस्ट एक रुपए का चॉकलेट परचेस किया, एक रुपए दिया चॉकलेट लिया, वो भी एक एग्रीमेंट है, वो भी एक एग्रीमेंट है। लेकिन बच्चों हर एग्रीमेंट लीगल नहीं होता, ठीक है। इसलिए जो वाइडर कंसेप्ट है वो कौन सा है? एग्रीमेंट। ये वाइडर कंसेप्ट है, उसमें ऑल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, लीगल भी और सोशल भी। लेकिन जब बात कॉन्ट्रैक्ट की आती है तो कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ऐसे एग्रीमेंट आते हैं जो लीगल है। नेक्स्ट लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट के बारे में क्या दिया? देखो इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द फ्रेंड्स, एग्रीमेंट हमेशा पार्टीज को अधिकार नहीं देता, लीगल अधिकार नहीं देता। जैसे कि मूवी को मैं नहीं गया तो मेरे दोस्त के पास कोई पावर नहीं कि वो मेरे ऊपर केस कर सके, के पास लीगल पावर है ही नहीं। क्यों नहीं है लीगल पावर? क्योंकि हमने लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था, वो तो जस्ट एक एग्रीमेंट था, और एग्रीमेंट में लीगल पावर नहीं मिलता, वो तो मिलता है कॉन्ट्रैक्ट में। सो इट नेसेसरीली क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट में कंपलसरी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है। ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर मैं आपने मुझे पैसे दिए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना, और मैं अगर सिखा रहा हूं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट करना, तो दोनों साइड से होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टन राइट टू एवरी पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कुछ अधिकार देता है दोनों भी पार्टीज को, ठीक है। आपको अधिकार क्या है? सर हमने पैसे दिए हमें सिखाओ। ये अधिकार कब बन जाता है? जब आप बाय कर लेते हो। हमें अधिकार क्या है? हम पढ़ा रहे हैं आपको देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो दोनों भी पार्टी के लिए राइट भी होता है और ऑब्लिगेशन भी होता है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट नेचर, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो बच्चों इस तरह से हमने इसका डिफरेंस भी देख लिया, ठीक है। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, और आपने इसके पहले लॉ पढ़ा था नहीं पढ़ा था, डे वन है पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आपको अच्छे से समझा होगा, इस ऐसी आशा करते हैं। बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब कहेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एसेंशियल्स है जो हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन जानने के लिए, देखने के लिए फटाफट से नीचे सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पर क्लिक करो, सो दैट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप लाइव सेशन में जुड़ जाओ और ज्ञान भर भर के ले लो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग फॉर टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय करने के पहले जस्ट जो नए स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हेलो स्टूडेंट्स, जस्ट नो समथिंग अबाउट KKCA। अगर KKCA की बात करें बच्चों तो हम 11th 12th के BCOM के और BBA के क्लासेस लेते हैं। अगर लोकेशन मतलब हम कैसे पढ़ाते हैं, तो फेस टू फेस भी, ऑनलाइन लैंग्वेज भी, और हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी आपको मिलता है, ठीक है। फ्रेंड्स नासिक में हमारा एक ब्रांच है KKY कॉलेज के पास। नासिक में ब्रांच नंबर 2 जो है वो कॉलेज रोड पे जय हिंद शोरूम के पीछे, और ब्रांच नंबर 3 सबसे बड़ा ब्रांच जो है वर्चुअल ब्रांच, जहाँ पे आप KKCA के ऐप से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। और बच्चों सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होने वाला है, अगर आप ऑफलाइन में भी आओ, ऑफलाइन के क्लास में भी आओगे तो भी आपको हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, तो आपका कोई मिस होने का चांस ही नहीं बनता, ठीक है, कोई चांस नहीं बनता। अगर आप क्लास में कभी भी एबसेंट थे, आप कोई भी फिजिकल क्लास में जाओ आपका नुकसान होने वाला है, लेकिन आप यहाँ पे आओगे तो आपको हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिलेगा जो एग्जाम एंड होने तक वैलिड रहेगा। सो बुक योर एडमिशन एज फास्ट एज पॉसिबल। और दोस्तों ऐप का नाम भूलना मना है, ऐप का नाम भूलना मना है, प्ले स्टोर पर जस्ट टाइप करना है KKCA। फॉर एनी डाउट नंबर भी आपको दिया हुआ है। Students, stay tuned to KKCA and happy learning with KKCA!